शहादत को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पालम एयरपोर्ट दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी किस तरह से तमाम केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अलग अलग केंद्रीय मंत्री भी पहुंच रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री शहीदों के पार्थिव शरीर की तरफ बढ़ते हुए, बहुत ही भावुक क्षण है ये, पूरा माहौल गमजदा है, लेकिन देश के वीर सपूतों की शहादत पर गौरवान्वित भी है। पुष्पगुच्छ अर्पित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शहीदों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त आप देख पा रहे हैं दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें। Thank you.
ये तस्वीरें आम नहीं है, आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए देश के वीर सपूतों के सामने नमन मुद्रा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अनुशासन के साथ अपना पूरा सैन्य जीवन व्यतीत किया, इन सपूतों ने, इन वीर सपूतों ने, देश के लाल ने उसी अनुशासन के साथ आखिरी विदाई भी दी जा रही है। तिरंगे से लिपटे हुए ये वीर सपूत, भारत माता के वीर सपूत, उनके पार्थिव शरीर को नमन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। यहां पर काफी गमगीन है, भावुक है इन पार्थिव शरीरों का परिभ्रमण करते हुए, परिक्रमा करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा माहौल गमजदा है, मानो कुछ क्षण के लिए घड़ी की सुइयां भी थम सी गई हो, सभी की सांसें थम सी गई हो और व्याकुल मन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है इन वीर सपूतों को। पूरे देश का कमोबेश यही माहौल है, हर कोई गमजदा है, लेकिन पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद देश खौफजदा बिल्कुल भी नहीं है। ये संदेश देना चाहता है पूरा देश कि हम डरे नहीं हैं, हमारे हौसले आज भी उतने ही बुलंद हैं और उससे कहीं ज्यादा बुलंद है। अब बस इंतजार है कि किस तरह से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बेहद ही भावुक क्षण है ये, गमगीन सा माहौल है, हर कोई अभी पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें देख रहा है, सभी का हृदय भरसा आया है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ इन वीर सपूतों को आखिरी विदाई दी जा रही है। शहादत को सलाम जी बिहार झारखंड भी करता है, लेकिन इन सब के साथ पूरा हिंदुस्तान बदले की मांग कर रहा है। सरकार की तरफ सभी की निगाहें टिकी हुई है कि अब सरकार का अगला रुख क्या होगा। गृहमंत्री, रक्षा मंत्री सभी से मुखातिब हुए यहां पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहां पर मौजूद हैं, पक्ष विपक्ष सब इस वक्त एक साथ खड़ा है। आर्मी चीफ बिपिन रावत भी यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, आपने देखा किस तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।